हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन में है सी को कब स और कब क पढ़ते हैं। मतलब सी को हम स और क दोनों पढ़ते हैं, तो कब हम उसको स पढ़ेंगे, कब उसको हम क पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने जैसे एग्जांपल में ले रखा है सी ए टी कैट, और यहाँ पे है सी ई एन टी आर ई, क्या होता है सेंट। तो हम बात तो यही है, ये भी सी है ये भी सी है, पर इसको हम यहाँ पे सी और यहाँ सॉरी यहाँ पे क और यहाँ पे स क्यों पढ़ रहे हैं। दोनों तो वर्ड एक ही है, ये भी सी है ये भी सी है, तो हम इसको स और क कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो यही हम कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी नोट होती है, ये नोट आप याद रखिएगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए ये हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने नोट लिख रखा है, जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये है सी, मतलब सी को कब स क पढ़ेंगे, ये क्या है सी को कब क पढ़ेंगे उसका नोट है। किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद ई सॉरी आई ई वाई न रहे तो उसे क पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कैट है, क्या है सी ए टी कैट, तो इसको हम क्या पढ़े कैट पढ़े। तो इसमें क्या नोट में है, किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ई वाई ये तीन वर्ड नहीं रहे। जैसे सी है उसके बाद यहाँ पे अगर आई रहता ई रहता या वाई रहता है तो इसको क नहीं हम स पढ़ते, पर यहाँ पे आई ई वाई नहीं है, ये तीनों वर्ड के बाद ए है। अगर यहाँ पे ए रहता बी रहता सी रहता डी रहता एफ रहता एच रहता, मतलब इन इन तीनों के अलावे कोई भी वर्ड रहता तो उसको हम इस सी को क्या पढ़ेंगे कैट पढ़ेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे कि सी ओ डब्लू क्या होगा काऊ, क्या पढ़े इसको हम क पढ़े, ये क्या हो गया काऊ हो गया, तो इसको हम क्या पढ़े क पढ़े, तब ना ये क्या हुआ काऊ हुआ। तो इसको हम यहाँ पे साव नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे नहीं आई नहीं है नहीं ई है नहीं वाई है, इन तीनों वर्ड के बाद का वर्ड है, मतलब अलग है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे काव पढ़ेंगे। तो चलिए एक और वर्ड वर्ड लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट, क्या है क्रिकेट, तो सी के बाद ई ई आई या वाई नहीं है ना, सी के बाद आर है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे क पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा क्रिकेट, क्या होगा क्रिकेट होगा, इसको हम स नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स का नोट बताते हैं। तो मतलब जब कब इसको हम स पढ़ेंगे, यहाँ तो क का आपको पता है कि किस मतलब किसी भी वर्ड में सी के बाद जो सी से स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड जैसे ये कैट सी से स्टार्ट हुआ काऊ क्रिकेट, कोई भी वर्ड सी से स्टार्ट हो और उसके बाद आई ई वाई नहीं रहे तो उसको हम क पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसका नोट है, और फ्रेंड्स देखिए इसका नोट है, किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ई वाई रहे तो उसे स पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है इसका अपोजिट है, किसी भी वर्ड के बाद किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ई वाई नहीं रहे तो क पढ़ेंगे, किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ई वाई रहे तो उसे स पढ़ेंगे, मतलब आई ई वाई रहे तो उसे स पढ़ेंगे, नहीं रहे तो उसे क पढ़ेंगे। तो देखिए एग्जांपल में है, जैसे कि यहाँ पे पहली एक तो बता रखे हैं सेंटर, तो इसको हम स पढ़े हैं, उसके बाद है सी वाई सी एल ई, ये क्या होता है साइकिल, इसको हम काइकल नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखा है ई आई ई वाई रहे तो यहाँ पे सी के बाद वाई है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे साइकिल, काइकल नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइकिल, क्या हो जाएगा साइकिल। तो इस तरह से हम सही इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। आप याद रखिएगा
फर्स्ट है सी के बाद वाई है, इसीलिए हम इसको क नहीं स पढ़े हैं। अब सेकेंड देखिए, सी आई आर सी एल ई, ये क्या हो जाएगा सर्कल, ये क्या हो जाएगा सर्कल। अब यहाँ पे क्या है, आई है, आई यहाँ पे वाई था, यहाँ पे सी के बाद आई है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, किरकल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर्कल, सर्कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आई है, सी के बाद क्या है आई है, तो इसको हम सर्कल पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये नोट याद रखना है। क्या है ये नोट याद रखिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम जी को कब ग और कब क्या पढ़ेंगे, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो लिंक हम दे देंगे, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का ये छोटी छोटी नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप एक एक मिस्टेक से आप इंग्लिश पढ़ना गलत पढ़िएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं पता होगा तो आप इसको साइकिल नहीं काइकल पढ़िएगा, और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा कि सी के बाद आई यू आई नहीं रहे तो इसको हम क पढ़ेंगे, तो इसको आप सेट भी पढ़ सकते हो, तो ये सही तरीका नहीं होगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हम जो लिंक देंगे उस पे जाके एक बार देख लीजिएगा कि उसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।